और कोरोना से ही जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की। देश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम बैठक इस वक्त कर रहे हैं। रवि सिंह की खबर के मुताबिक इस बैठक में कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। बैठक में देश में कोरोना के हालात पर चर्चा हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद अहम बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस वक्त चल रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं जिस पर देश भर की निगाहें हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त इस पूरी घटनाक्रम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, सीधे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर आनंद तिवारी। लेकिन इसके अलावा दिवाकर सिंह मुंबई के दादर इलाके में मौजूद है, जहां सुबह से ही गहमा गहमी और भारी भीड़भाड़ देखी जाती है। लेकिन ये जो बड़ी खबर रवि आप दे रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक इस वक्त कर रहे हैं, किस मुद्दे पर, क्या उम्मीद इस बैठक से? बैठक प्रशांत लगभग एक घंटा हो चुकी है, एक घंटा होने वाली है इस बैठक के, और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं और देश में कोरोना को किस तरीके से टैकल किया जाए, इसकी लड़ाई को कैसे मजबूत बनाया जाए, उसमें जो लोग चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हों, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हों, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री को हों, या फिर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल जो लगातार आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं, इन तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दो दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ में बैठक की थी, जिसमें तमाम देश के सभी राज्य शामिल थे। उन राज्यों से समीक्षा बैठक में वहां की राज्यों की स्थितियों के बारे में जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी ने ली थी कि किस राज्य में और क्या केसेस में बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह है। तो ये भी प्रधानमंत्री के सामने उन राज्यों की अभी मौजूदा जो स्थितियां हैं वो भी बताई जा रही होंगी, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है, तो क्या ये एज उसको कम करने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के, वो भी काफी समय से ये मंथन चल रहा है और इसकी डिमांड भी की जा रही है, तमाम राज्यों से भी इसकी डिमांड की गई है कि जो 45 का कैप लगा है कि 45 के ऊपर के लोगों का ही वैक्सीनेशन चल रहा है। ये एक बड़ी बात भी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार आज दोपहर 3 बजे बेहद अहम बैठक करने जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना पर और सख्ती या फिर लॉकडाउन पर भी फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में देश के आधे से ज्यादा कोरोना के मरीज निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यह एक बेहद अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे होने वाली है, जिसमें कोई बड़े फैसले महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, क्या खबर आ रही है इस बैठक में, किस तरह के फैसले की उम्मीद? देखिए प्रशांत, जब पिछले आधे घंटे में जबरदस्त हैपनिंग देखने को मिली, जिस तरह से न्यूज इन पर लगातार दादर की सब्जी मंडी को लेकर या अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों को लेकर खबर दिखाई जा रही थी, उसके बाद जो मुंबई के पालक मंत्री हैं असलम शेख, वो यहाँ पर पहुँचे, तमाम जो लोग हैं उनसे उन्होंने अपील की कि वो कोविड नियमों का पालन करें और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखें और इसके साथ ही काम करें। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी उसके बाद जो है, जब हमने मंत्री जी सवाल किया कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, तो कह रहे हैं कि परिस्थिति गंभीर है, जल्द से जल्द सरकार को फैसला लेना है, और इसीलिए आज की जो बैठक है वो बैठक 3 बजे जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे होंगे और साथ ही साथ जो अनिल देशमुख है गृह मंत्री वो भी उसमें शामिल होंगे, मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख शामिल होंगे, तमाम जो लोग हैं ये जो मंत्रिमंडल है इनके जरिए जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से बैठक होगी। और उस बैठक के बाद जैसा कि मुख्यमंत्री ने इशारा भी किया था प्रशांत की 1-2 दिनों में फैसला जाहिर कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि इस बैठक में शाम होते होते कुछ फैसला आ जाए कि क्या कड़े नियम लगाए जाएंगे और या फिर जो है लॉकडाउन पर ही विचार किया जा रहा था, मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी थी कि क्या मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा और इस पर फैसला हो सकता है दोपहर 3 बजे। लेकिन ये नौबत आखिर क्यों आई, क्योंकि इस वक्त की ये बेहद अहम और बड़ी खबर से जुड़ी हुई है। 24 घंटे के भीतर ही
इस साल कोरोना के नए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। एक दिन में ही देश में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटे के भीतर ही कोरोना की वजह से मरने वालों का यह आंकड़ा भी बेहद डराने वाला है, क्योंकि एक दिन में ही कोरोना की वजह से 513 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और यह आंकड़ा धीरे धीरे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए भी चिंता साथ में बढ़ रही है। एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक बेहद अहम बैठकें, क्योंकि यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बढ़ने की वजह आखिर क्या है, इस पर हो रहा है चिंतन, और इसका हल कैसे निकाला जाएगा उस पर भी हो रहा है विचार। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद तिवारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। देश और दुनिया के लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं। आनंद, बड़ी तादाद में आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, क्या वजह वो इसकी मानते हैं? जी देखिए प्रशांत, इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, जो दिल्ली पुलिस है, रेलवे पुलिस, वो यहाँ पर लगातार लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए रेलवे स्टेशन पर तमाम शहरों राज्यों के लोग आते हैं और अपने अपने गंतव्य के लिए, और लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि काफी ज्यादा गैदरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अभी हमें तमाम लोग यहाँ पर जो मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग कैमरा देख के भी मास्क लगा लेते हैं, और जैसे पुलिस प्रेजेंस बढ़ती है तो लोग डर के मारे मास्क लगा लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि मास्क लगा के रखें, और यहाँ पर तमाम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते भी और यहाँ से बाहर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी पुलिस के लिए चुनौती होता है कि यहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं, मास्क लगाने के लिए जागरूक करें, क्योंकि रेलवे में काफी ज्यादा खतरा होता है। उसके लिए रेलवे भी अलग अलग तरीके जो प्रयास है वो कर रही है, जो लगेज है उसको सैनिटाइज करने के लिए भी जो पहल है वो रेलवे ने करी है। तो जाहिर तौर पर जो भीड़भाड़ वाले इलाके और जहाँ पर लोगों का आना जाना मजबूरी है या उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पर प्रशासन पुलिस के लिए चुनौती है कि वहां पर कोविड के केस ना बढ़े और लोग जो है वो सुरक्षित यात्रा करें। उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं जो कुली है उन्हें भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, जो ऑटो वाले हैं उन्हें भी यहाँ पर जागरूक किया जाता है, और जो पैसेंजर आते हैं उन्हें भी यहाँ पर समझाया बुझाया जाता है कि 2000 का चालान कटने से आप बचें अपना, और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कोविड गाइडलाइन है उनकी अवहेलना ना करें। बिल्कुल, और कोशिश ये भी करेंगे कि किस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है ये भी हमारे दर्शक सुन पाए, मल्टीपल होकर ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। लेकिन न्यूज 18 इंडिया एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते लगातार इस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है कि लोग किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना बढ़ने में ये बड़ा मददगार साबित हो रहा है। उसके बाद प्रशासन सरकार हरकत में कैसे आती है उसकी एक वानगी मुंबई से देखने को मिली है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़भाड़ की खबर जब न्यूज 18 पर दिखाई गई, तो उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख दादर सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की खुद अपील की, साथ ही साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बारे में भी कहा। इससे पहले आज सुबह दादर सब्जी मंडी में भी लोगों की भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही थी। कई लोग ऐसे भी थे जो बगैर मास्क के नजर आ रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां नहीं किया जा रहा था, उन्हें बार बार हिदायत दी गई, और खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार पुलिस बल भी वहां मौके पर पहुंचा, और कैसे पालक मंत्री को भी पहुंचना पड़ा जब न्यूज 18 ने उनसे सवाल किए, तो उनके जवाब भी सुनिए। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख यहां पर पहुंचे हैं, और ये मुंबई के पालक मंत्री भी हैं। तो यहां पर जो पहुंचे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं दादर की सब्जी मंडी में कि जो लोग हैं वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, और इसके साथ ही साथ तमाम लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेज हैं वो मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ये स्थिति कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। और यही वजह है कि पूरी दादर की सब्जी मंडी में वो घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से दादर की सब्जी में मंडी में जो है नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आप देखिए जो मंत्री महोदय हैं वो यहाँ पर अलग अलग दुकानों पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, और सबसे अहम चीज़ की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखें, क्योंकि मुंबई में केसेज जो है वो लगातार
बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि जो लोग हैं वो आप यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से भी बात करना चाहूँगा। सर, लगातार जो दादर की सब्जी मंडी है वहाँ पर सुबह देखने को मिलता है काफ़ी भीड़ होती है और कोविड नियमों का पालन नहीं होता है। हमारी कोशिश पिछले 10 दिनों से है, हमने तमाम व्यापारी मंडलों से मीटिंग लिया, हमने बाकी के लोगों से मीटिंग लिया, सबसे कह रहे हैं कि भैया आप लोग अगर इसी तरीके से गर्दी रखाएंगे और इसी तरीके से अगर केस बढ़ेगा तो हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई पे मजबूर करेंगे आप। लॉकडाउन की बात कही जा रही थी, संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिया था, तो अभी तक कोई फैसला हुआ है कि आखिर क्या होने वाला लॉकडाउन? हमारी कोशिश ये है कि लॉकडाउन मुंबई शहर में ना हो, इसलिए हम बार बार जो है वो हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप होम डिलीवरी दे दो। लोगों को नियम पालन करना होगा, अगर लोग नियम पालन नहीं करेंगे तो फिर सरकार को आज ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लॉकडाउन लगाने को लेकर, मिनी लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार हो चुका है, मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं, और जो प्रशासन है बीएमसी, जो लोकल प्रशासन होता है, वो भी यहाँ पर सख्ती बरतने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। न्यूज 18 इंडिया पर यह खबर दिखाई गई कि कैसे सुबह सुबह दादर सब्जी मंडी में बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है, कई लोग मास्क तक लगाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, और उसके बाद यह भी खबर सामने आई कि इन पर सख्ती बरतने वाले कोई नहीं है और ना चालान काटने वाले। इसके बाद पुलिस महकमे के लोग यहां पर पहुंचे, लोगों से गुजारिश की गई, उन पर कार्रवाई की बात कही गई, और फिर उसके बाद पालक मंत्री असलम शेख भी पहुंचे। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी सुबह से ही दादर सब्जी मंडी के उस इलाके में मौजूद हैं जहां से ये गंभीर तस्वीरें सामने आ रही थी। दिवाकर, क्या अब जवाब सरकार की ओर से, क्या जब हम ये जमीनी हकीकत टीवी पर दिखा रहे हैं उसके बाद वो जाग रहे हैं और व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत, जब हम खबरें जो है चैनल पे चल जाती हैं तब जो है प्रशासन जागता है, मुंबई पुलिस के लोग पहुंचते हैं, बीएमसी के लोग पहुंचते हैं, और आज तो खुद मुंबई के जो पालक मंत्री हैं असलम शेख, वो खुद यहाँ पहुंचे थे, और जैसे ही वो पहुंचते हैं आपको तस्वीर एक बार दिखा देता हूँ किस तरह की तस्वीर दादर की तब्दील हो जाती है। अभी तक यहाँ पे जबरदस्त भीड़ नजर आ रही थी, पूरा ये इलाका जो है लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अब देखिए पुलिस के लोगों की तैनाती कर दी गई है, पुलिस की गाड़ियों की यहाँ तैनाती कर दी गई है। सबसे अहम चीज़ क्या है, सरकार की चिंता बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, क्योंकि केसेज रुक नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र में 50,000 केसेज एक दिन में सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं, और जो आज अहम बैठक होनी है 3 बजे प्रशांत, उसमें ये निर्णय हो सकता है कि क्या मुंबई सहित महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कड़े नियम लगाए जाएंगे, या फिर लॉकडाउन जो जिसकी चेतावनी मुख्यमंत्री ने दी थी क्या वो भी लगाया जाएगा। और इसी पर सभी की निगाहें होगी कि आखिर महाराष्ट्र सरकार किस तरह का फैसला करती है दोपहर 3 बजे उस बेहद अहम बैठक में, क्योंकि अब यह मामला और राज्यों तक फैलता चला जा रहा है, कई राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, गुजरात उन्हीं में से एक है जहां कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 2,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए, और ऐसे में अहमदाबाद में वैक्सीनेशन अभियान और ज्यादा तेज कर दिया गया है। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से लोगों को घर पर ही वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था भी अब कर दी गई है, निगम की कई सोसाइटी में जाकर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, और उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कॉर्पोरेटर श्री भरत भाई पटेल और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने जब हमको ये मैसेज दिया कि गवर्नमेंट ने अब डोर टू डोर जाके एक वैक्सीनेशन का अभियान स्टार्ट किया है, तो हम लोगों ने ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन किया है, और पहले चरण के अंदर आज हमने 350 सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया है, और स्वस्थ समाज के लिए हम लोग ये पहल कर रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद भी, वैक्सीन के एक नहीं लेकिन दोनों डोज लेने के बाद भी आपको नियमों का पालन करना जरूरी है, आपको सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना जरूरी है। और एक नए सिरे से अभियान को आगे बढ़ाया गया है गुजरात में, लेकिन क्या दिल्ली में कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं? कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, डोर टू डोर वैक्सीनेशन कई राज्यों में काम शुरू हो चुका है, गुजरात में क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बड़े ज्यादा कदम उठाए जा सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना को रोककर? इसमें बड़े स्तर पर यही उठाया जा सकता है कि एज जो है उसकी लिमिट कम की जा सकती है, 45 के अलावा उसकी घटाई जा सकती है एज, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी लगातार इसको लेकर मंथन भी कर रहे हैं, क्योंकि 34 करोड़ ऐसी
लोगों की तादाद है जो 45 साल के ऊपर है और इन्हीं लोगों को वैक्सीन अभी दी जा रही है। अभी हाल फिलहाल में ही केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया था। राज्यों की तरफ से, कई राज्यों की तरफ से यह कहा गया था कि इसके एज को लिमिट है उसको कम करने की जरूरत है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और खास करके 5-6 राज्य पूरे देश के हैं, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और उसमें दिल्ली भी शामिल हो रहा है। तो इन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं तो केस इन जगहों पर यही बढ़ते हुए केस चिंता का विषय बने हुए हैं और इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कई और राज्य तेजी से प्रभावित होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं में से एक है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 5,818 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि इसी कोरोना की वजह से 31 लोगों ने कोरोना में छत्तीसगढ़ में जान भी कमाई है। अकेले रायपुर शहर की बात करें जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है तो पिछले 24 घंटे में 2,287 नए मरीज कोरोना के शहर में सामने आए, 9 लोगों की जान भी रायपुर में गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी कोरोना केस लगातार बढ़ते देखे गए और इसके बाद प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक दुर्ग में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, लेकिन कोरोना के मामले कई और जगह पर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वो वजह क्या है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की ये तस्वीर है, एक जनसभा कर रहे हैं नेताजी, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत प्रत्याशी और बीजेपी नेता आनंद अवस्थी की ये जनसभा है। कोरोना नियमों की जमकर यहां धज्जियां उड़ाई जा रही है। जनसभा में आनंद अवस्थी और उनके साथ पहुंचे विधायक पंकज गुप्ता भी खुद बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। जब नेता ऐसा करें तो उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग क्या उनका ही अनुपालन नहीं करेंगे, और ऐसा ही देखा भी जा रहा है, ज्यादातर लोग बगैर मास्क के उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नेताजी की इस सभा में। और इतना ही नहीं, बगैर अनुमति के सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी यहां पर पहुंचा हुआ था। और इस तरह की घटनाएं ही कोरोना को बढ़ाने में और ज्यादा मददगार हो रही है। खबरों के इस अथाह सागर में न्यूज 18 एक बार फिर से करोड़ों दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरा नजर आ रहा है। ENBA अवार्ड के दौरान न्यूज 18 की झोली में एक साथ 50 से ज्यादा पुरस्कार आए हैं। न्यूज 18 इंडिया, कंग्रेचुलेशंस न्यूज 18 इंडिया, दिस इज टाइम, इट इज फॉर 100 बात की एक बात, किशोर अडवाणी। ENBA अवार्ड में न्यूज 18 की धमक, सो अमीश देवगन फॉर आर पार। न्यूज 18 की झोली में कई अवार्ड, फिर लहराया न्यूज 18 का परचम। लेट्स मेक सम नॉइस फॉर न्यूज 18 इंडिया प्लीज फॉर द फर्स्ट ब्रॉन्ज दैट वी हैव इन द सब कैटेगरी ऑफ द बेस्ट इन डेप्थ सीरीज। सवाल जब जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाने का हो तो न्यूज 18 विश्वास का दूसरा नाम है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। बाबूजी खा रहे तुम्हें तो मजा आ रही है जी। जा कहाँ जा रहे हो? मास्क। सवाल जब खबरों में पारदर्शिता और सच दिखाने का हो तो न्यूज 18 ही सबसे बड़ी पहचान है। अकाली दल और कांग्रेस ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब समेत सिख समुदाय को निशाना बनाने की शिकायत विदेश मंत्री से की। इसी पहचान, इसी भरोसे और इसी विश्वास ने एक बार फिर खबरों की दुनिया में न्यूज 18 को एक साथ कई सम्मान दिलाए हैं। ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड समारोह में न्यूज 18 की झोली में एक के बाद एक कई अवार्ड आए। उन्हीं में से एक अवार्ड हासिल हुआ न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी को। बेस्ट एंकर हिंदी, इट गोज टू न्यूज 18 इंडिया किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात। किशोर अजवाणी को एंकरिंग के तमाम मानकों पर खरा उतरने के लिए बेस्ट एंकर के सम्मान से नवाजा गया। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का।
खबरों की दुनिया में प्राइम टाइम की गंभीरता को न्यूज 18 ने एक अलग मकाम तक पहुंचाया है। खबरों के शोर शराबे से इतर 100 बात की एक बात जैसे एक घंटे के शो ने करोड़ों दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। यही वजह है कि ENBA ने अपनी तमाम कसौटियों में 100 बात की एक बात को बेस्ट प्राइम टाइम शो के खिताब से सम्मानित किया। विश्वसनीयता एक शो के अंदर और उस चेहरे के अंदर, शो अजवानी के अंदर दर्शकों की, लोगों की बनी हुई है, बरकरार है और एक अवार्ड उसी सोच को और उसी नजरिए को। A special jury mentioned in this category, Mr. Amish Devgan. Can we request him right here on stage, please? Iske alawa, special jury best talk show ka award lokpriya anchor Amish Devgan ko diya gaya. News 18 India ke agar hum baat kare to bhaiya ji kahin se shuru hoti hai aur aar paar hota hai, uske baad 100 baat aur saazish, sare tamam hamare jitne bhi program hain sabko ye award hame mila hai. Bhaiya ji kahin. जन सरोकार के मुद्दों को गंभीरता से और एक अलग ही अंदाज के साथ उठाने वाले शो भैया जी कहिन को नंबर वन शो का पुरस्कार दिया गया। Congratulations, News 18 India for भैया जी कहिन। Let's make some noise for News 18 India, please, for the first bronze that we have in this subcategory of the best in-depth series Hindi. जबकि बेस्ट शो आइडेंटिटी के रूप में एक बार फिर भैया जी कहिन को सम्मानित किया गया। भैया जी कहिन देश का सबसे लोकप्रिय शो है, जनता का शो है और जनता ने इसे जो प्यार दिया है लगातार दूसरे साल, उसके लिए पूरी जनता का आभार। ये दिल का शो है, दिमाग का नहीं, इमोशन बहुत है और इसलिए ये चलता है। साल के बेहद चर्चित शो सुशांत की सत्य कथा के लिए आशीष पांडे को बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दरअसल चैनल का अवार्ड होता है और ये दिखाता है कि कैसे न्यूज़ 18 इंडिया ने पिछले 5 सालों में अपना वो मुकाम हासिल किया कि आज हम 50 अवार्ड जीते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया और शुरू हुई एक नई कहानी। डार्क नेट पर ड्रग्स के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने वाले न्यूज़ 18 इंडिया के ऑपरेशन ट्रांस को बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो का खिताब दिया गया। डार्क नेट के शातिर पर न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपके सामने एक ऐसे गोरख धंधे को बेनकाब करेंगे। न्यूज 18 की झोली में बेस्ट वीडियोग्राफी का भी अवार्ड आया। करम सिंह और दिनेश नागर को अपने शानदार कैमरा स्किल और वीडियोग्राफी की वजह से नंबर एक का खिताब दिया गया। ये अवार्ड मेरा ही नहीं है, ये पूरी टीम का अवार्ड है, पूरे कैमरा टीम का अवार्ड है, पूरे प्रोडक्शन टीम का अवार्ड है। तो बस न्यूज 18 का धन्यवाद, भैया जी कहिन टीम का धन्यवाद। कोरोना काल में जन सामान्य के संवेदनशील मुद्दों को उठाने वाला प्रोमो सन्नाटा अच्छा है को बेस्ट प्रोमो का खिताब दिया गया। ENBA अवार्ड में न्यूज 18 को मिला ये सम्मान बताता है कि किस तरह से न्यूज चैनलों की आपाधापी में न सिर्फ न्यूज 18 ने पूरी पारदर्शिता के साथ खबरों को दिखाया है बल्कि खबरों के उस भरोसे को भी कायम रखा है जिसकी ख्वाहिश अक्सर देश के करोड़ों लोगों को होती है।